राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। देख सकते हैं मित्रों, आज महाराज जी अपनी खास माँ की चरण दबा रहे हैं। इतना अद्भुत दृश्य देखकर आंखों में आंसू आ गया। देख सकते हैं मित्रों, महाराज जी की ये माँ है जिन्होंने महाराज जी को जन्म दिया है। जी हाँ मित्रों, इस माँ ने ही महाराज जी को जन्म दिया है, जो कि आज पूरे विश्व में विख्यात है और अपनी माँ और अपने पिता का नाम रोशन किया है। मित्रों देख सकते हैं, यही वह माँ है जिसने महाराज जी को पाल पोस कर आज इतना बड़ा किया। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से महाराज जी के खास माँ से मिल रहे हैं। मित्रों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मित्रों ये जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, अभी महाराज जी कथा में कथा होने के बाद सीधे अपनी माता के पास जाते हैं। प्रतिदिन जब भी महाराज जी कथा समाप्त करते हैं तो महाराज जी अपनी माँ से ज़रूर मिलते हैं। देख सकते हैं ये महाराज जी की माँ है और आज इस वीडियो के माध्यम से महाराज जी के खास माँ का दर्शन आज इस वीडियो के माध्यम से आप कर पा रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। महाराज जी कथा करने के बाद, कथा समाप्त होने के बाद प्रतिदिन अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूँ, महाराज जी की माँ अभी महाराज जी के साथ ही गौरी गोपाल आश्रम में ही रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, महाराज जी के गौरी गोपाल आश्रम में ही महाराज जी की माँ रहती हैं और महाराज जी अपनी खास माँ की सबसे पहले सेवा करते हैं, फिर उसके बाद और भी वृद्ध माताएँ उनके पास जाती हैं। ये देख सकते हैं, ये जो है वृद्ध माताएँ जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, जिनको अपने ही बच्चों ने ठुकराया है, मार पीट कर घर से निकाल दिया है, उनका दर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं उनका सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। महाराज जी प्रतिदिन सभी माताओं का चरण दबाते हैं। सबसे पहले कथा समाप्त होती है, प्रतिदिन कथा समाप्त होने के बाद महाराज जी अपनी माँ के पास जाते हैं, माँ का चरण दबाते हैं, माँ से मिलते हैं, फिर उसके बाद वृद्ध माताओं से मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सही सुन रहे हैं, कथा समाप्त होने के बाद वृद्ध माताओं से भी मिलते हैं प्रतिदिन और उनसे हालचाल पूछते हैं। मित्रों महाराज जी की ऐसी करुणामय सेवा को देखकर आंखों में आंसू आ जाता है। आज पूरे विश्व में प्रचलित श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, क्योंकि आज उनके वजह से ही आज पूरे विश्व में धर्म के प्रति लोग आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हिंदू धर्म समाप्त हो रहा था, सनातन धर्म पर बहुत अधिक संकट आ रहा था, लेकिन महाराज जी एक बीच में ऐसे उभर कर आए कि सनातन प्रेमियों को आगे लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सही सुन रहे हैं, सनातन प्रेमियों को महाराज जी ने दिल में इतनी अधिक उमंग भर दिया कि आज पूरे विश्व में सनातन भक्त जो है आज पूरे विश्व में उनका नाम है। महाराज जी के यूट्यूब चैनल पर लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जल्द ही महाराज जी के यूट्यूब चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे और पूरे विश्व में महाराज जी को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि आज महाराज जी के विश्व में नंबर 1 यूट्यूब चैनल है और धार्मिक नंबर 1 महाराज जी ही है। कथावाचक जो होते हैं, नंबर 1 कथावाचक वो महाराज जी ही है इस वक्त। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग जानकारी दिया है। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।